नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ उड्डा सेक्टर 19 के अंदर। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि एक व्यक्ति जिनका नाम सन्नी है, इनकी गाड़ी किसी और व्यक्ति द्वारा बेच दी जाती है और यह है चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। जानते हैं कि पूरा कारण क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। पूरी बात क्या है जी, बात बताएं। पूरी बात ये है सर, मैंने ड्राइवर रखा हुआ था जो रिश्तेदार है हमारा, मैंने उसको गाड़ी दी थी भी चलाने के लिए, भी ये गाड़ी चलाओ और जो बकायदा भी जितनी कमा रहा है वो मेरे को बताओ भी, ऐसे करके। फिर उन्होंने सर गाड़ी आगे बेच दी है, मेरे को एक महीने बाद बताई है भी मैंने गाड़ी ताजिया गाँव में बेच दी है और बकायदा मेरे को दारू पिलाई थी उन्होंने। दारू पिलाने के बाद जब मैं उनके साथ गया, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और बकायदा मैंने पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वाले मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे। 3 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे। बकायदा ये कह रहे हैं भी जैसे भी कोई कार्रवाई होगी हम आपको बता देंगे और फ़ोन मार देंगे। मैं जैसे दर्शन हफ्ता मैं देखता हूँ भी कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा जाता हूँ तो मेरे से बदतमीजी से बात करते हैं पुलिस वाले। और मैं SP के साहब के गया तो इनके साथ गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है आपकी कार्रवाई करवा रहे हैं। करवाने करते 10 दिन फिर मैंने देखा, फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फिर जा रहा हूँ, फिर वो कह रहे हैं भी आगे केस दे दिया, वो सुनाई करेंगे। पहले अशोक के पास था मेरा केस सर, अशोक के बाद बलजिंदर के पास है जो कमांडो रहे हुए हैं, वो कह रहे भी आपको हक दिलाएंगे, आपके कार्रवाई करवाएंगे, बढ़िया आपको गाड़ी दिलाएंगे। उन्होंने भी झूठा लासा लगाया और आज वो मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे सर। तो मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, हाथ जोड़ के यही विनती है मेरी गाड़ी दिलवाई जाए और पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद नहीं थी जो आज मेरे साथ वो कर रहे हैं। तो 3 महीने से गाड़ी आपके नाम है? हाँ जी, गाड़ी मेरे नाम है सर, बीमा मेरे नाम है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है, ये दिखाने के बावजूद भी वो FIR दर्ज नहीं कर रहे और ना ही मेरी कोई कार्रवाई कर रहे। छोटे छोटे तो बच्चे आपके साले ने आपकी बिना अनुमति गाड़ी कैसे बेच दी? सर ये तो मेरे को बताया ही नहीं भी मैंने गाड़ी बेच रहा हूँ या कुछ है। उन्होंने बेचने के बाद मेरे को बताया भी मैंने गाड़ी बेच चुका हूँ, तो बेचने के बाद मैं उनके घर जा रहा हूँ भी पैसे जो भी आपने लिए ना वो मेरे को गाड़ी दी जाए और जो पैसे लिए उसने वो मैं ले लो और मेरी गाड़ी दे दो। मेरी फाइनेंस पे गाड़ी थी क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता और इससे रिकॉर्ड ख़राब होता है सर, और इसलिए मैं गया तो भी पुलिस वाले और ना मेरा साला कोई सुनाई कर रहे हैं। सब गायब है जी, साला भी गायब है और जिसने खरीदी वो भी गायब है और पुलिस वाले कोई किसी को नहीं उठा रहे। इसलिए यही रिक्वेस्ट है सर भाई, मेरी गाड़ी दिलाई जाए और मेरी भी हाँ जी और मेरे को हक मिलना चाहिए सर। तो आप दे सकते हैं थेड़ मोहल्ले से, जो थेड़ से यहाँ पर परिवार आया था उड्डा सेक्टर से, सन्नी जी हैं जिन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी किसी और व्यक्ति द्वारा बेच दी जाती है, वो अभी तक फरार चल रहे हैं लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी शासन और प्रशासन से अनुरोध और विनती है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाया जाए और इनको गाड़ी वापस दिलवाया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।